बुरहानपुर में त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा की कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा और हर्षवर्धन सिंह चौहान के बीच चुनावी मुकाबला होगा। सूत्रों के अनुसार भाजपा की कद्दावर नेता अर्चना चिटनिस, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी के रूप में बुरहानपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, वह अपने पूर्व कार्यकाल के 5,000 करोड़ के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा रैली के रूप में SDM कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जनता जो मेरा नामांकन दाखिल करने जाएगी। इसी क्रम में निमाड़ की नैन्या नंदू भैया कहे जाने वाले हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जनता के सामने ऐलान कर दिया है कि वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अपनी प्रोग्राम में पॉलिसीज लेके पब्लिक कर जाएगी, तो काम करना चाहती कांग्रेस जो उनकी हमारी जो एजेंडा है कांग्रेस को उसको लेके पब्लिक कर जाएगी और उस एजेंडा से जीतेंगे, विकास से जीतेंगे। कांग्रेस का एक ही मकसद है, मोहब्बत करो और विकास करो, प्यार करो लोगों को, जोड़ो लोगों को और विकास करो, इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ो। मोहब्बत का शहर भारत जोड़ो यात्रा में अब जनता के बीच में आप जाएंगे, देखने को मिला कि ठाकुर परिवार और एक और ठाकुर परिवार के जनरेटिव में हर्षवर्धन कौन रहे, क्या लगता है कि अब आपका मुकाबला त्रिकोणी रहेगा या फिर ये वो तो अभी वक्त बतलाएगा, दो तारीख बतलेगा कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन लड़ेगा। ये लड़ना श्योर है, टिकट आ गया, मेरा लड़ना श्योर है। कल आप लोग के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से मैं कल फॉर्म भर रहा हूँ। ये बात मुझे बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कल दशहरा मिलन के लिए जब शाहपुर विधानसभा के कार्यकर्ता दशहरा मिलन के लिए हर चौहान को मिलने के लिए आए, तब माइक पे मेरे भतीजे ने ऐलान किया कि कोई हवाई जहाज आए या कोई हेलीकॉप्टर आए। उसका कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई आएगा कोई दबाव पर नहीं साइन किया जाएगा। जो बात होगी अब 3 दिसंबर के बाद ही उन लोगों से बैठ के बात की। उनके तो बहुत सारे सपने थे जो अधूरे रह गए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सपनों को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम लोग सफल होने नहीं देंगे। क्योंकि मैं बस इतना ही कहूँगा कि जनता मेरे साथ में है और जनता जनार्दन है, जनता का जो आदेश होता है सर्वोपरि होता है।